अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आया है। काफ़ी हम लोगों को मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किए थे। तो आज मेरा जो मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी वो सुबह से हुई थी और सिंपल मॉर्निंग थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना बना स्टार्ट हो चुका था खाना बनाना, और यहाँ पर हम लोग मैंने और मेरी सिस्टर ने ना दाल बना रहे थे, और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा सा तड़का वगैरह लगा रहे थे। दाल जो थी वो बॉईल हो रही थी, साथ साथ आटा वगैरह भी गूंद लिया था। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी, तो प्रेगनेंसी के हवाले से भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो आज एक टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो उसके ऊपर बात हो जाए। लेकिन टॉपिक क्या है वो हर किसी की ज़िंदगी में ये होता ही है, ऐसा कितने ही बहनों के साथ होता है ना कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो ससुराल में बड़े ही अजीब से उनके साथ रवैये होना शुरू हो जाते हैं, सास के, नंद के, शोहर के, और मतलब कोई चीज़ ला के ना देना। जो लड़की जो होती है पहली पहली प्रेगनेंसी होती है, मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और अगर किसी को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो उसके साथ कितने ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ों को लेके चलना और अपनी प्रेगनेंसी, अपनी मूड स्विंग वगैरह सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी, मैंने रिसेंटली एक बहन को देखा था, उनकी ऐसी हालत थी। मुझे लास्ट ईयर हॉस्पिटल में मिली थी, अपनी सिस्टर के साथ में गई थी, तो वो अपने बारे में ये सब बता रही थी, कर रही थी। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि आजकल बहुत ज़्यादा ये हुआ पड़ा है। पता नहीं क्यों जो हस्बैंड है अपनी वाइफ का ख्याल नहीं करते हैं, उनको प्रॉपर उनका कोई इलाज नहीं करवाते हैं, या फिर उनकी मेडिसिन का, खाने का, पीने का, डाइट का, किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं कर रहे होते। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आराम की भी ज़रूरत होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग यही बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही ससुराल जो होता है वो बातें कर रहा होता है कि आप नया, मतलब कि आप नई माँ बन रही हैं। सारी दुनिया की जो लड़कियां हैं वो माँ बनती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता है, ये कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी ये एक हेल्दी है, आप उठें, काम करें, मतलब जितना चाहें आप काम करें, करती जाएँ, चाहे आपके साथ कोई भी मसला हो जाए। और जब मसला हो जाता है तो फिर लोग बोलते हैं कि अलग ही तरफ से मसला हुआ है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एहतियात तो नहीं की। यही ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी वाइफ का ख्याल करना चाहिए। और इस सारे जो भी 9 मंथ होता है उसमें अपनी वाइफ का अच्छा ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसे वो जो भी टाइम हो वो याद रहे कि मेरे हस्बैंड ने मेरा कितना ख्याल रखा था। इन लॉस में तो इसी तरह के मसले मसाइल होते हैं, बहुत कम इन लॉज होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रखते हैं। काफ़ी लोग थोड़ा बहुत नहीं रखते हैं, जिनसे होता है वो कर लेते हैं, जिनसे नहीं होता वो नहीं करते। जब ऐसी कोई बात होती है और मैं इस तरह की कोई भी बात सुनती हूँ किसी भी सिस्टर के मुंह से, तो मुझे मतलब कि किसी भी कहीं पे भी मुझे मिलती हैं प्रेगनेंसी वुमेन, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल में, तो वो इस तरह की कोई बात कह देती हैं तो मेरा दिल बड़ा दुखता है उनके लिए। मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके लिए हक में बेहतर करे और उनके मसले मसाइल ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ आलू के कबाब मैंने बना लिए थे, आलू का मिक्सचर वगैरह बना लिया था, आलू बॉईल कर लिए थे और उन्हें अंडे में डिप करके मैंने फ्राई करना था। साथ साथ मैंने बना लिया था जर्दा, क्योंकि मीठा खाने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो ये कुछ मेन्यू हो गया था आज हमारा डे में लंच का। फिर थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया था, अपनी स्किन को थोड़ा टाइम दिया था, और फिर उसके बाद मैंने आज मतलब अपनी जो वीकली थी स्किन केयर वो स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी दिन हो गए थे बिज़ी, तो टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने अपनी स्किन पॉलिश बनाना शुरू कर दी थी यहाँ पे। और स्किन पॉलिश बनाने के बाद लगाई, और फिर उसके बाद मैंने हल्का सा मसाज वगैरह कर लिया था, स्क्रब कर लिया था, और लास्ट में मैंने करना था मास्क लगाना था, और वो होममेड ही मास्क था। तो कुछ ऐसा होता है कि मैं ना बाकी जो चीज़ें होती हैं वो क्रीम की फॉर्म में यूज़ कर लेती हूँ, और मतलब कि इस तरह की जार्स वगैरह और बाकी जो मास्क वगैरह होता है उसे मैं थोड़ा होममेड आ जाती, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है फेस के ऊपर, ना ग्लो आ जाता है फेस पे। जैसा कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में सबसे अच्छी जो है क्लींजिंग आप ले सकते हैं मिल्क गर्म करके,
काफ़ी सारे लोग रॉ मिल्क ले लेते हैं, उसकी क्लीजिंग कर लेते हैं, लेकिन सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दी में आप अगर किचन की तरफ आते हैं तो मिल्क गर्म कर लें और उसकी जो मलाई आती है, मलाई आती है ऊपर, वो लेके आप अपनी स्किन के ऊपर उसकी क्लीजिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, डेड स्किन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है और स्किन के ऊपर एकदम से शाइन आना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके बीच में 2 ड्रॉप्स ऐड करें लेमन के तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है और उससे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन आना शुरू हो जाती है। मसाज करना था, स्क्रब करना था और मास्क लगाना था। इसके बाद शाम की रूटीन शुरू हो जानी थी। शाम की रूटीन कुछ इस तरह होती है कि चाय वगैरह बन जाती है, साथ में स्नैक्स वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद रात की रूटीन शुरू हो जाती है। रात में ये होता है कि जो भी दिन में खाना वगैरह बना हुआ होता है तो रात में ये होता है कि सादा चावल होते हैं दाल के साथ और चपाती वगैरह लगा लेते हैं। इस तरह शाम की और रात की रूटीन हो जाती है। अगर कोई कबाब वगैरह फ्राई करने होते हैं तो वो कर लेते हैं, तो इस तरह रात की रूटीन एंड हो जाता है। खाने के बाद स्किन की बात कर लें तो स्किन के ऊपर मैं कुछ इतना ख़ास नहीं लगाती हूँ, बस एक सीरम यूज़ करती हूँ या फिर मैं ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ जिससे स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह की कुछ छोटी छोटी रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ स्किन के हवाले से भी और दूसरा मॉर्निंग टू इवनिंग के हवाले से भी। तो ये मेरी कुछ सिंपल सी रूटीन थी आज के दिन की, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ आप लोगों के लिए साथ मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।